हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हम आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी सुबह के बजे हैं साढ़े नौ और हम लोग निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली पापा का डायबिटीज चेकअप करना था तो ब्लड टेस्ट आ गया रिपोर्ट, तो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली बढ़ गया पापा का डायबिटीज़, तो वही डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे चेकअप करने के लिए। चेन्नई में बेस्ट मीन्स डायबिटीज़ और थायराइड बेस्ट डॉक्टर है तो उनके पास ही जा रहे हैं। और हमारा सबका नाश्ता कंप्लीट हो गया, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, तो क्योंकि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं ना, तो इसलिए हम लोगों ने सुबह सुबह पहले आज नाश्ता कंप्लीट कर लिया अपना। रोटी भाजी मैंने बनाया था तो वही हम लोगों ने खा लिया और पापा मम्मी अभी जस्ट अभी रेडी हो रहे और मैं भी रेडी हो गई। सिंपल सा दवा खाना जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, इतना ज़्यादा मीन्स रेडी होने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल सा बस शावर लिया है और रेडी हो गई हूँ सिंपल से। तो अभी बस हम लोग निकल ही रहे तो डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आते आते कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले मैंने सबको नाश्ता करा दिया और मैंने भी नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। तो बस अभी हम लोग निकल रहे और ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल लेट भी हो गए, तो क्योंकि मैंने 9:30 बज रहे तो जाते जाते तो 15 मिनट लग जाएगा और मैंने अपॉइंटमेंट लिया है सुबह का 10 बजे का अपॉइंटमेंट लिया, तो इसीलिए जल्दी से भी निकल रहे। तो चलिए तो बस आते ही मैंने हम लोग अभी मंथ्स आते ही ना कम से कम कितना 1:30 बज गए हम लोग को आते आते, अभी तो फिलहाल 2 बज मीन्स 2:45 हो रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं। आते आते हम लोग को 1:30 बज गया, फिर मैं जल्दी से आके फिर मैंने लंच बिठा दिया था। मीन्स आज बहुत ही सिंपल बनाया, आलू का चोखा और नीम पत्ता हम लोग लाए थे तो नीम को फ्राई किया। पापा को डायबिटीज़ है ना तो ज़्यादा बढ़ गए, तो इसकी वजह से डॉक्टर ने बोला नीम या फिर करेला खिलाने के लिए, तो हम लोग नीम पत्ता लाए, तो नीम पत्ते को मैंने फ्राई कर लिया है और
दाल चावल और बैंगन की मैंने मीन्स बैंगन फ्राई किया है. ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था, 1:30 बज गया था, तो ज़्यादा कुछ बनाने जाऊँगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा. वैसे ही लंच करने का टाइम हो गया है तो इसकी वजह से बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया. तो आते ही मैंने पहले ही लंच बना दिया था तो दिखाती हूँ. चलो हम लोग का लंच करना भी बाकी है अभी, तो बस आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया और फिर हम लोग लंच करते हैं. तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो है बटाटे को उबाल लिया है चोखा बनाने के लिए, और ये नीम पत्ता है जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे पप्पा जी का रोटी भी मैंने सुबह ज़्यादा बनाया था तो पप्पा को लंच में रोटी आज मैं दे सकती हूँ, रोटी भी है, और बैंगन फ्राई बनाए थे, और यहाँ पे राइस बनाया है. और बस यहाँ पे मैंने मसूर की दाल बनाया है, आलू का चोखा और उसके साथ मसूर की दाल के साथ राइस खाना बहुत ही अच्छा लगता है, अमृत. अगर लाइफ में कुछ हो सिंपल, आप जस्ट लंच बनाओ ना, उस दिन ऐसा लगता है अमृत से बेटर खाना मीन्स इससे बेटर खाना और कोई हो ही नहीं सकता. बस हम अभी अपना लंच एंजॉय करेंगे. ये देखिए बस मैंने आलू के चोखे में मीन्स मस्टर्ड ऑयल और ऑनियन डाल दिया है कट करके और हरी मिर्च, और इसके साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है खाने में. बहुत ही सिंपल लंच है पर ज़रूर ट्राई करना आप इस तरह कभी खा के, बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसी सिंपल लंच भी. लंच हो गया है कंप्लीट हम लोग का, और डॉक्टर के पास गए थे ना तो पापा का ना डायबिटीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एक्चुअली 200 होना चाहिए मंथ, 180 के अंदर होना चाहिए, 200 या 180 के अंदर होना चाहिए डायबिटीज़, तो पापा का ना 300 हो गया, 300 ऐसे ऊपर हो गया, तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो गया. और इसीलिए ना पापा को ना नी पेन मीन्स ज़्यादा हो रहा है, अगर डायबिटीज़ बढ़ जाता ना तो नी पेन या फिर बहुत मीन्स थोड़ा बहुत चक्कर आना या फिर आंगली पूरा दर्द करना ऐसे होता है. सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है सब डायबिटीज़ में. मेरी मम्मी का भी अलग होता है, मेरी मम्मी को पैर में ना मूंगी हो जाते, सुन हो जाता है, तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम. तो पापा का ना पैर में नी में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इसलिए वो चल भी नहीं पा रहे, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा दर्द कर रहे थे. तो हम लोगों ने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि मीन्स इतना ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गया है ना तो इसकी वजह से मीन्स आपके पैर में दुख रहा है. और पापा वैसे भी ऑलरेडी रात को रोटी खाते हैं, सिर्फ सुबह 1 कप मीन्स एक कटोरी के हिसाब से चावल खाते हैं और बाकी उस टाइम पे भी रोटी ही खाते. तो डॉक्टर ने बोला राइस और भी कम करने के लिए, मीन्स रात को तो रोटी खाते हैं, सुबह भी रोटी और एक कप राइस खाते, लेकिन और भी कम करना पड़ेगा बोला है डॉक्टर ने. तो इसीलिए अभी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. और नीम का पत्ता लाया था तो उसको भी मैंने फ्राई किया था, तो नीम करेला जितना खाएगी उतना अच्छा होगा, डायबिटीज़ में कम होगा ना. और एक्चुअली हम लोग ने इसलिए और ज़्यादा चेकअप कर लिया ना कि अभी 2 दिन के बाद हम लोग तिरुपति जाने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ हो जाए मीन्स डर लगता है ना कभी कुछ हो जाए, उनके अभी उम्र हो चुका है, तो इसके वजह से पूरा पहले चेकअप कर ले तो अच्छा हो जाता है. तो इसके वजह से हम पूरा हम लोग ने डॉक्टर चेकअप कर लिया और मेडिसिन ले लिया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और हम लोगों ने बात भी कर ली कि ऐसे बाहर जाएंगे तो कुछ होगा नहीं ना, तो बोले नहीं ठीक है आप बस मीन्स मेडिसिन चेंज करके दिया. गांव का जो मेडिसिन था ना वहाँ सिर्फ 2 या 3 ही मेडिसिन थे, तो यहाँ पे पूरा 6 मेडिसिन दिया है. तो पापा बोले बाप रे कितना सारा मेडिसिन दिया, कितने बार खाओ, तो मीन्स ठीक हो जाएगा यहाँ पे मीन्स बहुत ही अच्छे डॉक्टर है. आप अगर चेन्नई में रहते हो ना तो अशोक नगर में शाम डॉक्टर है, डायबिटीज़ और थायराइड के लिए स्पेशल बेस्ट डॉक्टर है, तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो सच. तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मैं भी सोच रही हूँ अपना थायराइड मेरा भी 3 महीने के बाद दिखाने का रहता है तो मैं भी सोच रही हूँ वहाँ पे दिखाऊंगी. वैसे भी मेरा थायराइड भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
और कितना गर्मी लग रहा है हमारे यहाँ पे ना चेन्नई में, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मीन्स इतना ज़्यादा धूप है, देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है, खिड़की बंद करके रखना पड़ रहा है। सब जगह पे ठंडी गिर गई है लेकिन हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप है। सर मैं कितना पसीना आ रहा है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।